दोस्तों नमस्कार। NTPC लेवल 6 और 4 के लिए मॉक लिंक जारी कर दिया है सभी RRB जोन ने। आप अपनी RRB जोन में जाकर के मॉक लिंक पर क्लिक करके 18 जुलाई को ये किया था और आप जाके देख सकते हो पूरा ही, मतलब आप अपना एक पेपर किस तरह का पेपर आने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन रहेंगे, वो सारा ही आपको प्रोसीजर बताया गया है। ओके, तो अपन जा इसकी CBT का नोटिस भी देख लेते हैं कि नोटिस कब आया था और नोटिस पर क्या क्या बात की गई थी। ये CBT एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए है। ओके, ये कब जारी हुआ था? 16 जुलाई को हुआ था। द लिस्ट सो भी कैंडिडेट का पब्लिश कर दी गई थी और एप्टीट्यूड कब होने वाला है? 30 जुलाई को, बस ये है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, ये वाली बात याद रखना। द लिंक फॉर व्यूइंग एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग फॉर ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन RRB 20 जुलाई को। यानी आज सभी की, आज जो 20 जुलाई है, अभी सभी के लिए जो भी अपना कौन सा डाउनलोड हो जाएगा एग्जाम सिटी लिंक अवेलेबल अभी आ जाएगा। डाउनलोड इक्वलेटर फॉर स्टार्ट फॉर 4 दिन एग्जाम से पहले आपको डाउनलोड करना है। शॉर्ट लेटर, कैंडिडेट वगैरह, वो सारी बातें कही गई। अब अपन इसके मॉक लिंक पे जाकर देखते हैं किस तरह से आया है। दोस्तों ये देख सकते हो रेलवे भर्ती बोर्ड अहमदाबाद, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ देखो, ये सभी ये डेट जारी, सारी सभी की डेट जारी हो चुकी है। यहाँ सबसे पहले डेट जारी हुई है, ये देख सकते हो नोटिस पर कैंडिडेट शॉर्ट लेटर कैंडिडेट कंप्यूटर बेस स्किल टाइप हो, यहाँ पे लेवल 5 और इसका भी लिंक है आपको लैंग्वेज चूज़ करने का। दूसरा यहाँ पे शॉर्ट स्टेटस है कि किस तरह से आपके स्कोर कार्ड और आया है। और यहाँ पे देखें 18/7 NTPC मॉक लिंक टेस्ट लिंक, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे मॉक लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा खुल के आएगा ये साइन ऑन, यहाँ साइन इन आ रहा है। यानी साइन इन सबसे पहले आपको यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन कर देना है ताकि आप खुलने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे साइन इन करना है अपना। साइन इन करने के बाद इस तरह से खुलेगा आपका ये, यहाँ पे वापस इसको आपको डेस्कटॉप वर्जन कर देना है। डेस्कटॉप वर्जन करोगे तो सही, एकदम सही तरीके से दिखेगा आपको। ये मात्र एक प्रतिदर्शन प्रश्न है, वास्तविक प्रश्न के प्रतिदर्शन प्रश्न संख्या और समय सीमा अलग रहेगी इस कंप्यूटर उधर, ठीक है। कुल 5 प्रश्न होंगे, अभी भी 5 प्रश्न है, मतलब अपने को बता रहा है कि भाई इसमें 5 प्रश्न होंगे, किस तरह से एग्ज़ाम रहेगा वो अपने को बता रहे हैं। ओके, 1 मिनट का समय रहेगा। प्रश्नों को हल करने का तरीका, माउस के साथ ऐसे क्लिक करना है अपने को। ओके, जैसे 2 ग्रीड हैं, प्रत्येक प्रश्न में 2-2 प्रश्न जिनके आधार पर 4 प्रश्न उत्तर देने हैं। क्या करना है आपको, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि 2 ग्रीड है, प्रत्येक ग्रीड में 2-2 प्रश्न हैं और इसके आधार पर 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुख्य प्रश्न में 1 प्रश्न पर ग्रेड दिखाई देगा और 2 प्रश्न दिखाई देंगे। प्रत्येक 2 प्रश्नों के बाद सेव या नेक्स्ट बटन होगा, इस पर क्लिक करोगे। ये ध्यान रखना आपको, सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ही आप दूसरे पर जा पाएंगे। ओके, अब ये आंसर अगर दिया है तो आपको किस तरह से दिखाएगा, ग्रीन कलर, और नोट आंसर तो रेड कलर में दिखाएगा। ओके, और प्रिग्रीन का स्पेशल स्कैनिंग रहेगा, ये रहा देखो, सबसे पहले ग्रीन है तो आंसर दिया गया, अगर रेड है तो नोट आंसर दिया गया, और इस तरह से दिखाएगा तो नोट विजिटेड है। ओके, ये सभी, ये प्रिग्रीन से ध्यान रखना, ये सभी ऊपर दिखाई देंगे आपको। ये इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, आई एम रेडी टू बिगेन, रेडी टू बिगेन पर क्लिक करना है तो आपके पास पूरा पेज ये इस तरह से आएगा। बुद्धि परीक्षण है, ये किसका परीक्षण है? बुद्धि परीक्षण है। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 2। समय सीमा कितना है? 1 मिनट। अब टेस्ट इंस्ट्रक्शन ये रहा, 5 प्रश्न देखो यहाँ पे सिंपल, ये बुद्धि परीक्षण है, प्रत्येक उसमें 5 आकृति हैं, इनमें से 4 आकृतियों में से कुछ समानता है और 1 आकृति में से भिन्न है। आपको बताना है 5 आकृतियों में से कौन सी आकृति अलग है, आपको उत्तर मास्क से क्लिक करें। अब देखो नीचे उदाहरण दिया गया है, ये पर यहाँ पे क्लिक कर रखा है, इस तरह से आप क्लिक कर सकते हो। ओके, और आपको प्रोसीड करना है, सेव और नेक्स्ट करना है। इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण दिया है, इसमें भी एक 4 दिया है कि इसका अलग है, सब पे देखो अलग है ना, क्योंकि इस पे सब पे देखो आप देख सकते हो कि इसमें सब पे जो माउस है, ये जो अंदर वाला सर्कल है, इसके टच है, इसके भी टच है, इसके भी टच है, इसके भी टच है, लेकिन इसका टच नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला, ये बस 2 क्वेश्चन थे और उनका उत्तर देना था। इस तरह से आपको मॉक लिंक भी अवेलेबल दे दिया है, RRB सभी RRB जोन पे है। आप अपना टेस्ट, ये मैं मोबाइल पे दिखा रहा हूँ इसलिए अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं, आप अपने, आपके पास अगर लैपटॉप है तो, और ये अगर डेस्कटॉप है तो उस पर जाके देख सकते हो।